पे तुम्हें यही ले। हाँ। और बाली में अपनी बाली उम्र त्याग कर आना। हॉट तो कुछ नहीं है यार। कुछ नहीं है। सोच रही हूँ वही से कुछ शॉपिंग कर लूँ। बीवी होने का कुछ तो फायदा उठा लेती हूँ। ऑफ कोर्स। एक दो शॉपिंग स्पॉट्स के लिंक भेजती हूँ मैं। ओके, कूल। ओह नो, बीचवेयर तो रखा ही नहीं। मेरा वो वाला सूटकेस लाना। जी। मैम, ये कपड़े? हाँ। एक काम करो, हम सिर्फ ये नहीं पूरा सूटकेस लेके जाते हैं, आप इसे ऐसे रहने देना। और बताना। नहीं, आपने सब कुछ रख दिया है, कपड़े, आपकी ज्वेलरी, एक्सेसरीज। कुछ मिसिंग है? हाँ, आपका मेकअप और आपका पासपोर्ट। ओह नो, पासपोर्ट? मेरा पासपोर्ट का है? पासपोर्ट? अरे यार, शिट। हेलो कल्याण, गया पूरा हनीमून पानी में। ये सब क्या है? आपने हाल क्या बना रखा है? अब क्या हुआ आपको? मेरा हमारा पासपोर्ट नहीं मिल रहा, अब कैसे जाएंगे हनीमून? नहीं, कहीं होगा, मिल जाएगा। कहीं नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। आपने सूटकेस में देखा? हाँ। हैंडबैग में? हाँ, मेरा क्लच। देखिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है, कोई तो सॉल्यूशन होगा। We understand sir, but we are sorry. आप प्लीज एक बार दोबारा देखिए, प्लीज, शायद कोई हल निकल जाए। Sorry sir. I'm sorry, Shreya. जरूर हमारे स्टाफ से ही कुछ स्लिप अप हुआ है। अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, आप आइए हमारे साथ। आप यूं उदास मत होइए। I promise, जल्द से जल्द नया ट्रिप प्लान करेंगे। अब अपना यूं मूड खराब मत कीजिए, हम कॉफी लेकर आते हैं। Thank you.
आपने मुझे बुलाया? आओ जानवी, आओ। यस सर। जानवी, मैं चाहता हूँ कि तुम पिछली सारी बातें भूलकर इस प्रोजेक्ट को फिर से ज्वाइन कर लो। पर सर, कल जो कुछ भी मीटिंग में हुआ उसके बाद मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है जो घुमाया और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आई नो जानवी, मगर इस समय हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम तो जानती हो कि अगर ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला तो मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू जमीन पर आ जाएगी और फिर इस सेक्टर से हमें ये बिजनेस रैप करना पड़ेगा एंड देन वी विल बी आउट ऑफ जॉब। मम्मा तो इंजेक्शन लगवाने गई है। पता है मम्मा ने क्या बोला? जब तक प्रीतु चाची से प्रीतु की फेवरेट स्टोरी सुनेगी तब तक मम्मा आ जाएगी। सुनिए ना स्टोरी। पता है, एक बार बहुत पहले एक बहुत बड़ा जंगल था और उस बहुत बड़े जंगल में एक छोटी सी लड़की रहती थी। आपको पता है उसका क्या नाम था? उसका नाम था खुशी। खुशी और उसकी मम्मा रोज नदी के पास जाते थे वहां पे पानी भरने। आपको पता है खुशी किसके जैसी दिखती थी? एकदम हमारी प्रीतो जैसी, ब्यूटीफुल। उस जंगल में एक राक्षस रहता था। उसने बोला, मुझे खुशी के सारे टॉयज चाहिए। खुशी डर गई। खुशी ने बोला, नहीं मैं नहीं दूंगी अपने टॉयज किसी को भी। तो खुशी ने अपने टॉयज नदी के उस पार जाके छुपा दिए और वहां पर एक प्रिंस आया, एक प्यारा सा प्रिंस जिसने राक्षस को ऐसे डिशुम डिशुम करके गिरा दिया और खुशी के सारे टॉयज खुशी को वापस मिल गए। थैंक यू सो मच सनाया, अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता? आप इतने परेशान थे, मैं आपको ऐसे ही कैसे छोड़ के चली जाती? ये रहे आपके पासपोर्ट के पेजेस। मेरी जॉब न जाने मुझसे क्या क्या करवाती है, but I love my job and you as a boss. सनाया, हम चाहकर भी अपना हनीमून कैंसिल करवाने का ब्लेम नहीं ले सकते थे। वो तो एंड टाइम पर आपका दिमाग काम कर गया, वरना हमें कुछ करना पड़ता। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास आप जैसी इमेज कंसल्टेंट है जिसके पास ब्यूटी और दिमाग दोनों ही है और हम उसका फायदा उठा सकते हैं। पर हमें श्रेया के लिए बहुत बुरा लग रहा है, हमें जानबूझकर उसके साथ ऐसा करना पड़ा। इट्स ओके आदि, आई अंडरस्टैंड। श्रेया,